मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग गणित पढ़ रहे हैं और गणित के इस सीरीज में आज हम एक अच्छा सा टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हैं, जिसका नाम है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। सामान्यतः ये जो टॉपिक होता है ये बोझिल लगता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला रटते हैं और बनाते हैं। यदि हम लोग फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट के साथ समझें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला जो चीज़ होगा, कुछ शब्द होंगे उनकी व्याख्या हम आपको बताते हैं। जैसे एक शब्द है परिमाप, या इसको बोला जाता है परिमिति, परिमीटर। अब ये है क्या, जरा समझने की बात है। मान लीजिए कि आपके पास कोई खेत है, खेत को जानवरों से या किसी भी चीज से बचाना है आपको, तो आप चाहते हैं कि उसके चारों तरफ हम कटीला तार लगा दें, या आप चाहते हैं कि उसके चारों तरफ बाउंड्री दे दें। तो आप मार्केट में गए तार खरीदने के लिए, तो आपको क्या चीज चाहिए? तो आप सब, आपके पास कोई लेंथ होगा ना कि हम कितना चाहे। मान लीजिए कि ये मेरा खेत है, ऐसा मेरा क्या है, खेत है। तो हम जो भी वायर लगाएंगे, तार लगाएंगे, ये कैसे लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे इसके चारों तरफ। तो हम इसके क्या कर लेते हैं कि ये जो साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं और उस हिसाब से हम लोग तार खरीद लेते हैं। तो इसी बात को हम लोग मैथ के रूप में परिमिति कहते हैं। परिमाप, परि मतलब बाहर, बाहरी, और माप मीन्स मापन, मतलब किसी भी आकृति के बाहरी माप को परिमाप कहते हैं या परिमिति कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपको बाउंड्री देना है या कटीला तार लगाना है, मींस मेंसुरेशन में किस चीज की बात हो रही है, तो परिमाप की बात हो रही है। अब एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया। ये है क्या? तो अब देखिए, मान लीजिए कि कोई फर्श है और हमें उस पर टाइल्स लगाने हैं या हमें उसको पेंट करना है, तो हम किस पे करेंगे, फर्श पे करते हैं। तो जो फर्श को हम लोग मापते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी आकृति के सतही माप को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा परिमाप और परिमिति। तो देखिए, ये जो ये टॉपिक जो है इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसका जो टू दो तरीकों में पढ़ा जाता है। एक जो फिगर होता है, टू डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और एक आकृति जो होती है उसको हम लोग 3D फिगर कहते हैं, जिसको हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो 2D जब होगा तो उसमें हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल की बात करते हैं, और जब 3D फिगर होगा तो वहां पर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। किस चीज के बारे में? त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। तीन असंरेख रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन असंरेख रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब है कि तीन असंरेख का अर्थ क्या हुआ, जो एक ही सिर में आकृति नहीं है। जैसे हम एक फिगर ले रहे हैं ऐसा, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया, ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसके नाम से जरा समझिएगा, त्रिभुज। त्रिभुज को हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ तीन प्लस भुजा, मीन्स थ्री साइड्स, और
इसका जो इंग्लिश नेम है इसको हम लोग करते हैं ट्रायंगल, तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्राई प्लस एंगल मींस तीन कोण। तो बात समझ में आ गई कि त्रिभुज में क्या है, तो तीन भुजाएं हैं, त्रिभुज में क्या है तीन भुजाएं हैं, थ्री साइड्स हैं। अब वो थ्री साइड्स क्या क्या है तो जरा देखिए, देखिए अगर हम इस तरह स्टार्ट करते हैं इसको देखना तो क्या होगा, ए बी बी सी और सी ए। अगर हम इसको दूसरे तरीका से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए सी बी और ए सी। तो ये हुआ त्रिभुज की तीन भुजाएं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के तीन कोण, तो थ्री साइड्स क्या है सॉरी थ्री एंगल्स क्या है, तो तीन कोण जो है कोण ए कोण बी और कोण सी। और यही जो होता है इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, मतलब त्रिभुज में थ्री वर्टिसेस भी होते हैं, तीन शीर्ष भी होते हैं। और ये तीन शीर्ष को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। किस चीज से डिनोट करते हैं, ए बी सी से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीन असंरेख रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा थ्री साइड्स। ट्रायंगल जो है अगर इस दो शब्द में हम बात करें तो हिंदी को देखते हैं तो तीन भुजा थ्री साइड्स, और इंग्लिश वाले वर्ड को देखते हैं ट्रायंगल तीन कोण, मीन्स त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। अब तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी है बी सी है और सी ए है, या इसी को बी ए लिखेंगे सी बी लिखेंगे या ए सी लिखेंगे। तीन कोण कौन कौन से हैं, कोण ए है कोण बी है कोण सी है, और थ्री वर्टिसेस क्या है ए बी सी। क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं त्रिभुज के एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए त्रिभुज के कोण। हम लोग सामान्यतः त्रिभुज के जो कोण होते हैं एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसको एक ही टर्म में हम लोग व्याख्या कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। त्रिभुज में दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक अंतः कोण होता है और एक बाह्य कोण होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो देखिए त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोण इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और त्रिभुज के बाह्य कोण या इसको बहिष्कोण भी बोलते हैं बाह्य कोण एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं, त्रिभुज के अंतः कोण, ये हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, तो ये जो एंगल बन रहा है ये इसका इंटीरियर एंगल होगा, क्या होगा इंटीरियर एंगल होगा। और अगर हम इसको वन टू थ्री से डिनोट करते हैं तो ट्रायंगल कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामान्यतः पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं 180 डिग्री, लेकिन वहां पे आपको समझने क्वेश्चन आपको करने की आवश्यकता है कि अगर हम पूछ रहे हैं कि त्रिभुज के अंतः कोण, कहने का मतलब है अंतः कोण तब 180 डिग्री होगा। अब देखते हैं वही बहिष्कोण की हम लोग बात करते हैं, देखिए बहिष्कोण कैसे बनेगा, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब हमने क्या किया कि इस ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर हम उसके एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो इस बीसी साइड को हमने यहां तक बढ़ाया डी तक, तो यहां एंगल बन गया, मान लीजिए हमने इसको 4 लिख दिया। इस एसी साइड को हमने ई तक बढ़ाया तो एंगल यहां पे 5 हो गया, और इस साइड्स को हमने एफ तक बढ़ाया तो यहां पे क्या हो गया 6 हो गया। तो द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, मींस कोण 4
प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री सॉरी 360 डिग्री। आप समझ में आ गया होगा कि अगर त्रिभुज के कोण की बात की जाए तो आपको क्या समझना होगा कि एक तो अंतःकोण की बात होगी और दूसरे किस कोण की बात होगी, बहिष्कोण की बात होगी, एक्सटीरियर एंगल की बात होगी। तो इंटीरियर एंगल के समय जो तीनों एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा और एक्सटीरियर एंगल के टाइम जो सम होगा वो क्या होगा 360 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। अब इसी पर एक चीज समझ लीजिए कि मान लीजिएगा हमने पूछा कि ये पॉइंट पी कहाँ है, तो ये त्रिभुज के अभ्यंतर में है, अंदर स्थित है, और हमने बोला ये पॉइंट कहाँ है, तो त्रिभुज के बाहर स्थित है। बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में और बारी बारी से ढंग से समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो ये क्या है? तो सबसे पहले एक चीज है, हम लोग बात करेंगे भुजा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो एक त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। आजकल इस पे बहुत सारे चुटकुल्ले बन रहे हैं कि किस राक्षस के नाम है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये कोई राक्षस के नाम नहीं है, जबकि ये त्रिभुज के क्या है, ट्रायंगल टाइप्स है। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, देखिए नाम से देखिए समझिए, समबाहु, सम माने बराबर और बाहु मीन्स भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिएगा एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल है, ए ए ए। क्लियर हो गया। अब देखिए जब इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, ये 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा और ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप समझिए, आपको परिभाषा अगर पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि एक त्रिभुज उन्होंने बोला कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तो दूसरी भुजा में कितनी की होगी 10 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा में कितनी की होगी 10 सेंटीमीटर की। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि समबाहु त्रिभुज क्या है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और तीनों कोण भी आपस में बराबर हो, तीनों कोण में प्रत्येक कोण कितने का होगा 60 डिग्री का होगा, तो इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो एक चीज बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होगा या समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होगी, परिमीटर क्या होगा, तो हमने बताया कि बाहरी माप को परिमाप बोलते हैं। बाहरी माप को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तीनों भुजाओं का योग, क्या लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग। किसी भी फिगर का अगर आपको परिमाप निकालना, मान लीजिए कि हमने एक ऐसा फिगर दे दिया इस तरह का, सॉरी तो देखिए अगर हम पूछते हैं आपसे कि इस फिगर का पैरामीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो देखिए जो भी साइड से इसको ऐड कर दीजिए तो आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम इस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछते हैं तो आपको कैसे निकालना है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। तीनों भुजाओं को जोड़ देने का अर्थ हुआ कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब ये क्या है, तीनों भुजाएं तो इक्वल होती है ना, समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 3 है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया आपको, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो आपको आ गया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 × 1 भुजा। बात समझ में आ गई आपको, अगर हमको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो हम कैसे क्या करेंगे, जो भी साइड दिए रहेंगे, जो भी साइड दिया रहेगा उससे 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा
कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह होता है आपको 1/2, ये ट्रायंगल है एबीसी, इसके साइड क्या है ए ए ए, तो इसका जो एरिया होगा वह 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये कोई ये वर्टिसेस है और यहां से हमने इस पे लंब डाला, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीन, अब मान देखिए एक चीज समझिएगा, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तीन शीर्ष हैं और तीन साइड्स हैं। देखिए ये ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल एबीसी में तीन साइड्स हैं आपके पास और तीन वर्टिसेस हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस वर्टिसेस से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये इसके लिए हाइट हो गया, ठीक। अब यहां से हम इस पे एक परपेंडिकुलर डाला है, तो ये एक हाइट हो गया, और इस साइड से हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हाइट हो गया। तो देखिए जो अगर ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों हाइट भी इक्वल होंगे, मतलब यहां से जो यहां पे डालेंगे वो हाइट, यहां से यहां पे डालेंगे वो हाइट, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग एक ही कंसीडर करते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि त्रिभुज के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे उसके हाइट एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको पॉइंट्स बताएंगे वहां पे। तो देखिए अब हमने मान लिया कि ये जो है इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है, दो भाग में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये a by 2 और ये क्या हो गया a by 2। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कहने का मतलब है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस तो आपको पता है कि ए का है, बट आपको हाइट नहीं पता है कि कितने का है, तो हम लोग हाइट निकालते हैं, और हाइट के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं फॉर्मूला, जिसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इस फॉर्मूला को क्या बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो किसी भी ट्रायंगल में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, एच का जो स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्लियर। तो अगर हमको यहां से पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट हमें निकालना है, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ए बी स्क्वायर जो होगा वह इक्वल होगा किससे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, अगर हमको ए एम निकालना है, ए एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, इसलिए ए एम इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो एम इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी कितना है, ए का, तो ए का स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर मीन्स ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा 3a² / 4 मीन्स रूट 3a/2। तो अब एक चीज आपको याद रखना होगा कि इसलिए समबाहु त्रिभुज की अगर आपको ऊंचाई निकालनी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 इंटू भुजा। हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 3/2 इंटू भुजा। अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए 1/2 बेस कितने का है, ए का, और ऊंचाई कितने का है,
रूट थ्री ए बाई टू, ये हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। मीन्स अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, और रूट थ्री का वैल्यू आपको याद रखना होगा 1.732 जनरली लिया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो कैसे निकलेगी, रूट थ्री बाई टू इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट थ्री बाई फोर भुजा स्क्वायर। देखिये ये जो मेरा क्लास है ये क्लास नाइन्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, प्लस जो भी रेलवे और एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। आप कुछ देर तक लगातार ये जो मेरे वीडियो आएंगे उसमें त्रिभुज के हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, और उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको इसके फॉर्म क्वेश्चंस बनवाए जाएंगे। और आप ये देखिएगा कि जो भी विभिन्न एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जीडी का हो जाए, एलडीसी हो जाए, सीजीएल हो जाए या रेलवे का एग्जाम हो जाए, उससे आप मेंसुरेशन में की क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, रूट थ्री बाई टू इंटू भुजा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट थ्री बाई फोर भुजा स्क्वायर। और आपने ये भी समझा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद से रूट थ्री का वैल्यू क्या है, 1.732। क्लियर हो गया, ठीक आगे देखते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या हुआ कि वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया और इसका ये साइड दोनों इक्वल है, समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब ये जब दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो याद रखेंगे कि जो आधार पर का कोण होगा वो इक्वल होगा, जो बेस का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मींस कहने का है कि यदि ए बी आपका इक्वल है ए सी का, तो एक छोटा सा तरीका है, सही नहीं है फिर भी आप याद रखें कि ए को हटा दीजिए तो कोण बी और कोण सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। अब यही कंडीशन नहीं है, मान लीजिए हो सकता है कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी जो है इक्वल है बी सी के, ए बी जो इक्वल है वह किसके है, बी सी के। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो बी को हटा दीजिए तो कोण ए जो होगा इक्वल होगा कोण सी के। बात समझ में आ रही होगी। अब हो सकता है कि ए बी सी ये और ये साइड इक्वल है, कहने का अर्थ है ए सी जो इक्वल है वह बी सी के। तो देखिए दोनों में सी मिल रहा है तो कोण ए जो होगा वो किससे इक्वल हो जाएगा, कोण बी के। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर होगी तो जो बेस का जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इसी तरह इसके हाइट को देखेंगे, इसके परिमीटर को देखेंगे और इसको क्या, इसके क्षेत्रफल को देखते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये दोनों साइड्स इसके इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, और हम इस दोनों साइड को ए मान लिए। क्लियर। अब ये जो साइड है वो क्या है, अलग है, तो इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस एंगल से कोण ए से इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर डाला और आप इसको सर्वांगसम करके इक्वल इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन इसको मान लीजिए कि दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है, तो बी बाई टू हो गया, और क्या हो गया, बी बाई टू हो गया। तो इसी प्रकार आपको हाइट निकालना है ना, सब किसी भी त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, आधार गुने क्या, ऊंचाई। तो आधार तो पता है बी का, बट अगर हमें हाइट निकालना है तो हाइट के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा,
कि एम इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए ये यहाँ पे 90 है ना, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो एम इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ये कितना है बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। अब रूट निकालिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए अब इसे समझते हैं। अब यहां से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, 1 बाई टू, बेस कितने का, b का, और हाइट कितने का आ गया, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट 2, कितने का आ गया, रूट अंडर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो 1 बाई 4 इंटू बी रूट अंडर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 रूट अंडर बी इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये समझिए क्या है कि बी क्या है और ए क्या है। तो बी जो है वो आधार है और ए जो है वो क्या है, बराबर भुजा है। जो समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजा होगी वो क्या है, आपको ए है, और बी क्या है, तीसरी भुजा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल, तो ये क्या है, विषम, नाम समझिए विषम, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज विषम समद्विबाहु त्रिभुज इस पे तो आपको सवाल मिलते हैं, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज पे सवाल बहुत कम मिलते हैं। और इसका जो एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हीरोन का सूत्र, इसको प्रूफ आपको बहुत कम जगह मिले होंगे, लेकिन हम आपको इसको दो तीन तरीकों से प्रूफ करके बताएंगे। जो भी आपको इजी मेथड लगेगा उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, ये तीनों अलग अलग भुजा होगी। क्लियर। अब एक चीज समझिएगा, ये जो ए है ना, इस ए के सामने वाली भुजा को हम लोग छोटा ए से डिनोट करते हैं, ये बी है, इसके सामने वाली भुजा को छोटा बी से डिनोट करते हैं, और ये सी है, इसके सामने वाली भुजा को छोटा सी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, विषम बाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है। अब देखिए, तो अगर हम इसकी परिमाप की बात करें, विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप को निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ए बी ए सी प्लस बी सी मीन्स ए बी सी। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आता है, अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालें, क्या निकालें, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी आधा बाई टू, इसी को मैथ की भाषा में एस लिखा जाता है। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसको अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब ही विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है उसको हम लोग हीरोन का सूत्र बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, विषम बाहु त्रिभुज, इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसी को क्या बोला जाता है, हीरोइन का फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, हीरोइन का नहीं, हीरोइन का फॉर्मूला है, याद रखिएगा हीरोइन का सूत्र। इसी के सूत्र, इस सूत्र की सहायता से हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपके पास एक काम हो गया कि आप तीनों
ट्रायंगल के एरिया, परिमीटर और हाइट को एक जगह लिख लें और इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग एक लंबा सा वीडियो लेकर आएंगे, एक घंटे का वीडियो होगा, उसमें नाइन्थ क्लास के मेंस्ट्रुएशंस के क्वेश्चन बताए जाएंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें रेलवे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। भुजा के आधार पे त्रिभुज के जो भी प्रकार थे उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया, उसकी परिमाप क्षेत्रफल संबंधित फॉर्मूला को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कोण के आधार पे त्रिभुज के लिए। तो ध्यान से समझेंगे कि कोण के भी आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है समकोण त्रिभुज। पहला क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण होता है उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। पर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि एक समकोण त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज में मैक्सिमम एक समकोण हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि एक 90 हो जाएगा तो बाकी कुछ अगर दूसरा भी 90 हो जाता है तो थर्ड एंगल क्या होगा? नहीं आप डिफाइन कर पाओगे, वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा कि एक समकोण त्रिभुज में एक ही समकोण होगा। अब समझते हैं, हमने कल बताया था कि ये यहाँ पे एंगल बी है तो इसके सामने वाले भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ए है तो इसके सामने वाले भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और यदि ये सी है तो इसके सामने वाले भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। मींस अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें या इसका परिमाप की बात करते हैं तो इसका परिमाप जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा एरिया, ये परिमीटर हो गया, और ये एरिया जो होगा वह हो जाएगा 1/2 ए इंटू सी। और यदि पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय जो होगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय वो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ क्या आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ये क्या है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम लोग राइट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्या है? 90 डिग्री से अधिक है। अगर हम यहां इस एंगल को सी लेते हैं, इस एंगल को ए लेते हैं और इस एंगल को क्या लेते हैं? बी लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जो भुजा होगी वो सी हो जाएगी, ये जो भुजा होगी ये ए हो जाएगी, और ये जो भुजा होगी वो बी हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम परिमाप की बात करें, परिमिति की बात करें, परिमीटर की बात करें तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, एरिया निकालना चाहें तो वही गिरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है? तो एस आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है। अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे? तो हमें एक थ्योरम पता होता है, ज्योमेट्री में ये थ्योरम पढ़ना है कि जो कोण बड़ा होता है
उसके सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर जो होगा वह ग्रेटर होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये क्या हुआ आपको, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग एक चीज बचा हमारे पास, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बचता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ये कौन सा त्रिभुज है, तो वह त्रिभुज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। बात समझ में आ रही होगी, जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दें M, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और परिमीटर क्या हो जाएगा, तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मींस एबी प्लस एसी प्लस बीसी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपको क्या, न्यून कोण त्रिभुज से संबंधित कुछ फॉर्मूलास। अब एक चीज देखते हैं, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी और यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया पी और हमें इसका वैल्यू निकालना, तो आपको कॉन्सेप्ट से हम बता रहे हैं स्पेशल, ये समझेंगे स्पेशल केस में, कि जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, अगर हम इसको बेस ले लेते हैं BC को और ये भी 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन वी अज्यूम BC इज बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बीसी इंटू एबी। अब एक चीज बताइए, अगर ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला है तो ये बेस हुआ और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहां से अगर हम एरिया निकालते हैं, व्हेन AC इज बेस, तो वन एरिया 1/2 इंटू एसी इंटू बी एम, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब जब दोनों इक्वल होगा तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी इज इक्वल टू 1/2 एसी इंटू बी एम, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और जब दो ये दिया हुआ रहेगा तो आप एसी निकाल के बी एम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि ये क्लियर आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, ओके देखते हैं फिर आगे। ये आगे एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो हम आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि वो फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है। कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इस दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ए है यहाँ पे, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग ए डिनोट करते हैं। ये बी है तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बी डिनोट करते हैं। और ये यदि यहाँ सी है तो इसके सामने वाले भुजा को छोटा सी डिनोट करते हैं। यहाँ हमने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, सॉरी हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री एंगल, क्लियर।
अब एक चीज बताइए, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 1/2, बेस क्या होगा? बीसी इंटू हाइट क्या होगा? एएम। क्लियर? हमें एएम पता नहीं है, हमको एएम पता नहीं है, लेकिन हम बात करें ट्रायंगल एबीएम में, ट्रायंगल एबीएम में अगर हम, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस, क्योंकि यहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एएम बाय एबी। अगर हम यहां से एएम निकाल दें तो एएम इज इक्वल टू क्या होगा, एबी साइन थीटा। तो इसलिए एएम इज इक्वल टू एबी मींस सी साइन थीटा। अब एएम का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2, बीसी का वैल्यू क्या है, ए, और एएम क्या है, सी साइन थीटा। तो अगर एंगल दिया जाए तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल सकते हैं 1/2 एसी साइन थीटा। बात क्लियर हुई, बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्या हुआ, आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला हुआ इस ट्रायंगल से। तो आपका एक काम बनता है भी, जितने भी हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको बताया, आप उसको एक जगह इकट्ठा करें, और उसके बाद से हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपको 9th के एकेडमिक क्लास के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे। वो कराने के बाद हम आपको रेलवे और एसएससी के भी क्वेश्चंस का वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो देखते हैं पहला सवाल।